الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور محترم حاضرین جمعہ محترم بزرگوں नौजवान भाइयों पर्दानशीन माओ और बहनों प्यारे बच्चों हमारे इस वतन हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने तिजारत और बिजनेस के नाम पर वो यहाँ दाखिल हुए और बड़े ही चालाकी और अय्यारी से लालच देकर रिश्वत देकर जुल्म करके सितम करके धीरे धीरे पूरे मुल्क के इख्तदार पर वो काबिज हो गए। अंग्रेजों को हिंदुस्तान के इख्तदार से महरूम करने और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने और अंग्रेजों के चंगुल से हिंदुस्तान को आजाद कराने की जो कोशिशें हुई जो लड़ाई लड़ी गई उस लड़ाई को जंगे आजादी या तहरीक आजादी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ यह लड़ाई कोई 50 साल या 100 साल नहीं लड़ी गई, ये तकरीबन 200 साल तक 200 साल का एक लंबा अरसा और बड़ी कुर्बानियों के बाद 1947 में ये मुल्क जो है अंग्रेजों के चंगुल से आजाद। 200 साल की हिंदुस्तान की आजादी की इस तारीख में, तहरीकी आजादी की इस तारीख में हिंदुस्तान के सारे बाशिंदों ने, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे इस मुल्क के ईसाई हों, सारे मुल्क के सारे लोगों ने जंग आजादी में अपना अपना किरदार अदा किया, अपना अपना रोल प्ले किया। मगर ये भी एक तारीखी हकीकत है कि हिंदुस्तान की जंग आजादी में सबसे नुमाया किरदार, सबसे मुमताज किरदार और कायदाना किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो मुसलमानों ने किया। मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई साइड होकर नहीं लड़ी, आगे सफे अव्वल में होकर के लड़ी है। और उसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि अंग्रेजों ने इस मुल्क का इख्तदार अगर किसी से छीना था तो मुसलमानों से छीना था। वो मुसलमान जो 800 साल से इस मुल्क में हाकिम थे, अंग्रेजों ने उन्हें महकूम बना डाला, उन्हें गुलाम बना डाला। इसलिए अंग्रेजों से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को थी तो मुसलमानों को थी।
और यही वजह है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों ने कायदाना रोल अदा किया। आज के खुतबे जुमा में मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर से वक्त में मुसलमानों ने जो रोल अदा किया है जंग आज़ादी की इस लड़ाई में, आज़ादी की इस लड़ाई में जो किरदार अदा किया है, उस पर एक मुख्तसर से रोशनी आपके सामने डाली जाए। मेरे भाइयों, जंग आज़ादी की ये तारीख 1754 में शुरू होती है। आप जानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में कलकत्ता के रास्ते से दाखिल हुआ, सबसे पहले बंगाल के रास्ते से दाखिल हुआ। उस जमाने में बंगाल के हाकिम थे नवाब अली वर्दी खान। नवाब अली वर्दी खान ने अंग्रेजों के इस खतरे को महसूस किया और 1754 में पहली लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को उन्होंने शिकस्त दी। और अंग्रेजों का जो अड्डा था उस वक्त फोर्ट विलियम, अंग्रेजों को भागने पर मजबूर किया और फोर्ट विलियम से अंग्रेजों को डायमंड हार्बर में जाकर के पना लेना पड़ा। बंगाल का एक इलाका था जिसको अंग्रेजों ने डायमंड हार्बर का नाम दिया था, आज भी वो इलाका मौजूद है, उसको आज हाजीपुर के नाम से जानते हैं बंगाल के अंदर। अंग्रेजों को भागने पर मजबूर, नवाब अली वर्दी खान के मरने के बाद उनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के हाकिम थे और उन्होंने भी सारी जिंदगी अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन उनके दरबार में उन्हीं के खिलाफ साजिश करने वाले और साजिश रचने वाले चंद गद्दारों की वजह से 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया, खत्म कर दिया, मुर्शिदाबाद के अंदर उनको खत्म कर दिया और जंग आजादी का ये मुजाहिद 1757 में शहीद हो गए। नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त में उन्हीं के हुकूमत का एक नवाब था जिसका नाम मीर जाफर था, उस गद्दार की गद्दारी का बहुत बड़ा रोल था। जैसे सुल्तान टीपू को अंग्रेजों के खिलाफ कत्ल करवाने में और शहीद करवाने में और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी शिकस्त में बहुत बड़ा रोल मीर सादिक का था। दक्कन के अंदर मीर सादिक ने गद्दारी की और बंगाल में मीर जाफर ने गद्दारी की। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, जाफर अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, जाफर अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, नंगे नंगे मिल्लत नंगे दी नंगे वतन। यानी बंगाल में मीर जाफर और दक्कन में मीर सादिक, ये दोनों दीन के लिए भी शर्म के बाइस हैं, वतन के लिए भी शर्म की चीज है और अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए भी शर्मिंदगी का सबब है। मेरे अजीज साथियों, अंग्रेजों के खिलाफ जिन लोगों ने शुरुआत में लड़ाई लड़ी उसमें मैसूर के हुक्मरान हैदर अली और उनके साहबजादे सुल्तान टीपू का बहुत बड़ा किरदार है। इन दोनों बाप बेटों ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंगें लड़ी और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हैदर अली के बाद जब उनके बेटे सुल्तान टीपू हुक्मरान हुए, उन्होंने उस दौर के सारे राजे महाराजों और सारे नवाबों को मिलाने की कोशिश की कि हम सब मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करें, मगर अफसोस की बात है सुल्तान टीपू की यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और जुनूबी हिंद के बहुत सारे हुक्मरानों ने उनके खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। और 1799 4 मई श्रीरंगापट्टनम में अंग्रेजों के साथ मुकाबला करते हुए हिंदुस्तान का ये बहादुर मुजाहिद आजादी शहीद हुआ। और शहादत के वक्त सुल्तान टीपू ने जो अल्फाज कहे थे वह आज की तारीख में बड़े सुनहरे अल्फाज में लिखे गए हैं। उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और सुल्तान टीपू के मरने के बाद उनकी लाश पर अंग्रेजों का जो जनरल था, जनरल हॉर्स, उसने खड़े होकर के कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान की जंग आजादी की अव्वलीन किरदार और अव्वलीन कायदीन है, अव्वलीन हीरो है, अव्वलीन शुहदा है, जिनकी शहादत और जिनके खून से हिंदुस्तान की तारीख रंगी है। हिंदुस्तान की तारीख जब भी लिखी जाएगी सुल्तान टीपू का नाम भुलाया नहीं जा सकता, नवाब सिराजुद्दौला का नाम भुलाया नहीं जा सकता। और आगे बढ़िए, ईसाइयों ने एक तरफ सियासत के मैदान में अपनी चालें चली, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की, लोगों को बांटने की कोशिश की, दूसरी तरफ जगह जगह अपने मिशनरी स्कूल खोल दिए, ईसाइयत की तबलीग करने लगे, मुसलमानों को मुर्तद बनाने लगे, हजारों लाखों मदरसों को बंद करवा डाला। लेकिन उस दौर के उलमा ने, उस दौर के कायदीन ने अंग्रेजों के इस खतरे को भांपा और एक अलग तहरीक शुरू हुई जो इल्मी तहरीक थी। और इस तहरीक के सरगना और इस तहरीक के बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी इस तहरीक के फाउंडर थे,
और उनके बाद उनके साहबजादे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया और 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जिहाद का फतवा दिया। ये पहला फतवा था जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा उन्होंने साबिर फरमाया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, हिंदुस्तान दारुल हर्ब है और अंग्रेजों को यहां से भगाना हम सबकी जिम्मेदारी है, अंग्रेजों से जिहाद करना हमारा फर्ज है। और 1803 में जब उन्होंने फतवा दिया तो पूरे हिंदुस्तान ने एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने सुर फूंक दिया। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ एक तहरीक शुरू की जिसको लिबरेशन मूवमेंट कहा जाता है और लिबरेशन मूवमेंट का उन्होंने कायद बनाया सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान के करिया करिया और गांव गांव जाकर के लोगों को उभारा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद और लोगों के दिलों में हौसला पैदा किया। इस तहरीक को तहरीक शहीदैन कहा जाता है, इस तहरीक को तहरीक शहीदैन कहा जाता है। और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है तक़वियतुल ईमान, कभी आपको मौका मिले ये किताब आज भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इस किताब को पढ़िए। इस किताब में कोई जिहाद की बात नहीं है, इस किताब में कोई लड़ाई की बात नहीं है, इस किताब में तौहीद की बात है, इस किताब में शिर्क से रोका गया है। और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब उस जमाने में कितनी इंपॉर्टेंट किताब थी इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि अंग्रेज मुअर्रिख W.W. हंटर विलियम विल्सन हंटर अपनी किताब द इंडियन मुस्लिम्स में लिखता है कि अंग्रेज तीन किताबों से बहुत डरते थे, अंग्रेज तीन किताबों से बहुत डरते थे। पहली किताब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तक़वियतुल ईमान, दूसरी किताब सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मलफूजात सैयद अहमद शहीद, और तीसरी किताब शरह वकाया का किताबुल जिहाद। इन तीन किताबों से अंग्रेज बहुत डरते थे। तक़वियतुल ईमान के अंदर क्या था? कोई जिहाद की बात नहीं थी, तौहीद की बात थी, शिर्क से रोका गया था। गोया अंग्रेज भी ये जानता था कि हमसे लड़ने में और हमसे मुकाबला करने में एक मुवहिद और शिर्क से पाक इंसान जो रोल अदा कर सकता है वो एक मुशरिक अदा नहीं कर सकता। इस किताब से अंग्रेजों को खतरा था और ये एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि सबसे ज्यादा इस किताब से हम लोग डरते थे। तहरीक शहीदैन का ये काफिला बढ़ता पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ एक आग फैल गई और 1831 में सरजमीन बालाकोट में अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों का साथ देने वाले सिखों के खिलाफ लड़ते हुए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों बुजुर्गों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद भी ये तहरीक बाकी रही और हिंदुस्तान के सूबा बिहार में पटना के अंदर एक छोटा सा मोहल्ला था जिसको सादिकपुर कहा जाता है। सादिकपुर के अंदर एक खानदान था और ये पूरा का पूरा खानदान अहले हदीस था, ये 100% अहले हदीस खानदान था। इस पूरे खानदान का बच्चा अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल था। बाप अपने मरने के बाद अपने मरने के टाइम अपने बेटे को वसीयत करता था कि जब तक अंग्रेजों के छक्के नहीं छोड़ा देना है, जब तक अंग्रेजों को नहीं इस देश से निकाल देना है तो मैं चैन से नहीं बैठना। इस पूरे खानदान ने जो अजियतें सही हैं, अंग्रेजों ने इन पर जो जुल्म सितम किए हैं, मेरे प्यारे साथियों हिंदुस्तान की तारीख का एक बड़ा रोशन बात है। ईद का दिन था, सारे लोग ईद की खुशियां मना रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के बुलडोजर चल रहे थे सादिकपुर के इन गरीबों के मकान पर। लोगों के घरों में खुशियां थी, लेकिन उलमाए सादिकपुर इस पूरे खानदान के पूरे घरों को बुलडोजर चला करके बर्बाद कर दिया गया, इनको घर से बेघर कर दिया। यही वजह है कि जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जब एक मरतबा पटना गए तो उन्होंने पटना में अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में सारे लोगों की कुर्बानियों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, सारे लोगों की कुर्बानियों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का पलड़ा भारी हो जाए। ये हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम एतराफ करता है इस खानदान की अजमतों का और इस खानदान की कुर्बानियों का, वो हमारे आबा अजदाद थे मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ गदर हुई और जिसको दूसरी जंग आजादी कहा जाता है, पूरे मुल्की पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई। 1857 की इस गदर में बेशुमार लोग मारे गए और अंग्रेजों ने इस गदर के मुजरिमों से बहुत बेइंतहा और बेतहाशा बदला लिया।
जितने लोग गदर के मुजरिम पाए गए, या तो उनको सरेआम फांसी दी गई या उनको काला पानी की सजा दी गई। ये काला पानी क्या था? ये जजीरा अंडमान निकोबार में, जहां उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, बेआबाद जजीरा था। वहां अंग्रेजों ने कैदखाना बनाया था, एक कैदखाना बनाया था, और लोहे की जेलें होती थी, और उन जेलों में दीवारों पर भी लोहे के ग्रिल लगे रहते थे, और उसके दरवाजों पर लोहे के हैंडल लगे रहते थे। और इतना खतरनाक वो कैदखाना था कि मौलाना जाफर थानेसरी अपनी किताब काला पानी में, जो खुद इस सजा में वो गिरफ्तार हुए, तो लिखते हैं कि हम सो नहीं सकते थे, हम टेक नहीं लगा सकते थे, चारों तरफ हमारे लोहे की जंजीरें, हमारे हाथ और पैर लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे, और दीवारों पर भी जो है लोहे के एंगल लगे हुए थे, और हम आराम नहीं कर सकते थे, हम रात दिन रोते थे, या फिर हमारे बदन से खून बहता था। काला पानी की यह सजा इतनी सख्त थी कि काला पानी की सजा को बहुत सारे गैर मुस्लिम बर्दाश्त नहीं कर पाए। और एक बात यहां पर याद करिए, नोट कर लीजिए कि काला पानी की सजा में मुसलमान गैर मुस्लिम सब लोग शामिल हुए, लेकिन यह सजा 95% मुसलमानों को दी गई। काला पानी की सजा में गैर मुस्लिम बहुत कम गए वहां काला पानी के कैदखाने में, 95% वहां मुसलमान गए, और उन 95% मुसलमानों में भी एक बड़ी तादाद उलमा की थी। मेरे प्यारे साथियों, वहां बहुत सारे गैर मुस्लिम तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंग्रेजों से माफी मांग करके उस कैदखाने से छूट गए। उन्हीं माफी मांगने वालों में वीर सावरकर का नाम भी आता है, वीर सावरकर का भी नाम आता है, जिन्होंने बाकायदा अंग्रेजों को खत लिख करके माफी मांगी, और अंग्रेजों ने 1922 में उनको काला पानी की कैद से रिहाई दी, और उसके बाद उन्होंने वादा किया और सारी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों की जासूसी करते रहे, और आजादी के मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ जासूसी करते रहे। आज मुल्क को सावरकर के नजरियात मुल्क के ऊपर थोपे जा रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की जासूसी की, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, आज उनके नजरियात को थोपा जा रहा है, उनको देशभक्त बताया जा रहा है। और वो मुसलमान जिनकी कुर्बानियों से हिंदुस्तान की तारीख लहूलुहान है, जिनके खून से हिंदुस्तान की तारीख भरी पड़ी है, उन मुसलमानों को आज गद्दार और देशद्रोही करार देने की साजिशें चल रही। मेरे अजीज साथियों, और आगे बढ़िए, हिंदुस्तान की तहरीकी आजादी में जिन लोगों ने बड़ा अहम और बड़ा नुमाया किरदार अदा किया, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो वक्त का एक बुलंद बाला आलिम दीन, कुरान करीम का मुफस्सिर और इल्म हदीस पर गहरी नजर रखने वाला एक अजीम सहाफी और एक अजीम सियासतदान, और हम ये कह सकते हैं कि शायद इल्म फन का कोई ऐसा मैदान नहीं था इसमें वक्त का ये इमाम माहिर नहीं था। बड़ी अजीम शख्सियत थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जिनकी जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती था, मगर जंग आजादी की इस तहरीक में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ा दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी के 15 साल कैद खाने में गुजरे, अहमदनगर की जेल आज भी शाहिद है। मौलाना अबुल कलाम बार बार उस जेल में गए, उस कैद खाने में गए, और उनकी जिंदगी के 15 कीमती साल कैद खाने में गुजरे। उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को आमादा करने के लिए पर्चा जारी किया, अल बलाग के नाम से, अल हिलाल के नाम से। अंग्रेजों ने उनके पर्चे जब्त किए और बार बार उनको जेल में डाला। इन बुजुर्गों की मेहनतों और कोशिशों के बाद 1947 में मुल्क आजाद हुआ। मगर जब मुल्क आजाद हुआ, एक तरफ पूरे मुल्क के लिए खुशी का समा था, तो वहीं एक दुख का समा यह था कि मुस्लिम लीग की कोशिशों की वजह से और खुद कांग्रेस की कुछ गलतियों की वजह से मुल्क का बंटवारा हुआ और एक बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। लेकिन उस वक्त भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो इस तकसीम से दुखी थी, जो ये समझती थी कि ये तकसीम न मुल्क के हक में है न मुसलमानों के हक में, जो ये जानती थी कि अगर ये लोग मुल्क छोड़ के चले गए तो यहां जो मुसलमान अकलियत बचेगी वो हमेशा डर और खौफ के साए में रहेगी, हमेशा कमजोर रहेगी और अक्सरियत से दब करके रहेगी। उस मौके पर हिंदुस्तान की एक बड़ी तादाद ने अपने इस वतन को छोड़ना गवारा नहीं किया। हमारे आबा अजदाद ने इस वतन को छोड़ना गवारा नहीं किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं मानी, उन्होंने गांधी जी की बात मानी, उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात मानी। और आप याद कीजिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना आजाद ने जो आखिरी तकरीर की थी,